Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. I'm your Ragviti and I hope you guys are doing totally good and staying safe. So आज मैं काफी दिनों बाद एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ. सॉरी, इट्स जस्ट बिकॉज मुझे जुकाम था प्लस पीरियड्स थे, और पीरियड्स के साथ साथ पहली बार मेरे को ऐसे पीरियड्स हुए हैं जिससे मुझे इतना गंदा क्रैम्प हुआ है. पास्ट के 3 डेज मुझे काफी ज्यादा पेन रहा और बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर वाला दर्द रहा. मुझे इतना दर्द कभी नहीं हुआ अपने पीरियड्स में. बहुत ही ज़्यादा गंदे क्रैम्प थे, हद से ज़्यादा वाले. पर अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ. अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी हूँ. थोड़ा सा मैंने काम वाम कर लिया है, चाय बना दिया, नाश्ता बना दिया. अभी मैं जा रही हूँ सफाई करने. और हाँ, सरप्राइज़ की बात यह है कि आज दीदी आ रही है. आई एम सो हैप्पी. दीदी के लिए तो ठीक है, पर बेबी के लिए सबसे ज़्यादा. तो बेबी आ रही है. मेरी चोन पड़ी है. डुनु डुनु ना मिटू मिटू. गुड मॉर्निंग. पप्पी चटा चटा एक देखो. गुड मॉर्निंग. ना तो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा. वाओ, पतो की जाने में छकी ना. इच्छा को छकी तो ना है. तुम्हारा मुन्ना दो फोटो बना लो. फोटो बना लो. रानी की गुड़िया की, रानी की गुड़िया की, गुड़िया की रानी की. ईशा, ईशा, ईशा. मालिश कराने के बाद सोना प्रेफर करती हैं. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. इट्स अ नेक्स्ट डे. अभी बजे दोपहर के 12:30 और मेरी हीरल रानी यहाँ पे बेड पे सो रही है. आज का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है बिकॉज अभी सुबह से उठे हैं. थोड़ा सा मैंने एज यूजुअल आपको बताया, थोड़ा सा काम किया. मेरी सफाई भी हो चुकी है. मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से सब क्लीन व्लीन का काम मेरा था, मैंने कर लिया है. दीदी ऊपर नहा रही है, बस कपड़े धो रही है. फिर वो आएगी, मालिश करती है, सो रही है. इनको ने लाएंगी, फिर इनका यू नो स्किन केयर होगा. उसके बाद अगेन वो दूध पी के सो जाएंगी. और मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है. तो आज मुझे रात में जाना है मंदिर. और आज है मुझे पीरियड्स का डे 5, लेकिन मैं बालों के ना आऊँगी बिकॉज मैं साफ हो चुकी हूँ. बिल्कुल गाइस, बिल्कुल साफ हो चुकी हूँ. फिर मंदिर जाऊँगी. एंड अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि दीदी ना आ ली, फिर मैं ना हूँ. और मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ इसलिए मैं फालतू में वीडियो बना रही हूँ. कोई चीज़ है नहीं, बट वो नहीं होता है ओवर ऑब्सेस्ड अपने आप से कैमरे के सामने आके कुछ भी. सो वही कर रही हूँ मैं और कोई काम कर रही हूँ. मिलते हैं आगे. लाडो उठ गए हैं मेरी. हाँ, मालिश कला के उठ गई हैं. अब अनु अनु होगी इनकी. अनु अनु होगी. ओले बाबले. निन्नी नहीं फूला हुआ है. निन्नी नहीं फूला हुआ है. ओहो ओहो. अनु अनु कर लो खाना. खा लो फिर. चुया चुया करना. चुया चुया करना फिर. हाय, गुड मॉर्निंग. मैं अभी शो कर उठी हूँ. पीछे से मम्मी भी आ रही है. लो ये थी. ये उठ चुकी हैं पूरी तरह से. सो धो खा पी के सब कुछ करके उठी हैं ये.
आज का दिन बहुत ही अच्छा जाता हुआ, सोते खाते नहाते ऐसे जाता हुआ। वैसे भी नहा नहीं है, अभी थोड़ी देर में नहाएंगे। अभी कहाँ नहाए? परमठ मंदिर आए थे आज। यहाँ पे सच रहा है, शायद कोई क्या पता ओकेजन या फिर वो नहीं बोलते हैं जिसे शिव पुराण बैठती है, शायद बैठ रही है। काफी भीड़ है, आरती होने का टाइम हो रहा है। गुड, दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर लगता है। पर मैं आकर एक शांति है और साथ ही साथ एक शोर भी है। ये शोर बहुत अच्छा है। और बात रही शांति की, तो गंगा जी के पास ये जो आप शांति महसूस कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी लगती है। इतना प्यारा है यहाँ पे ये सब, मतलब शोर है तो सिर्फ बंदरों का, घंटियों का, थोड़ा बहुत लोगों का। एंड नदी गंगा मैया इतनी शांत है, इतनी सुंदर है, एक हल्के बहाव में बह रही हैं। गंगा जी की खूबसूरत, मतलब एक ऐसा लगता है एक शिव मंदिर को गंगा जी कंप्लीट करती हैं, है ना। तो गंगा जी इज़ समथिंग लाइक, इफ गंगा जी इज़ नॉट देयर देन देयर इज़ नो परमठ। आई थिंक शायद द्वार खुल रहे हैं परमठ के, क्योंकि अभी तक बंद थे, सफाई चल रही थी। अब खुलेंगे तो शायद आरती होनी है 9 बजे वाली। एक बार मैं अभी, जब मेरी मम्मी कार्डियोलॉजी में एडमिट थी, उनको हार्ट अटैक आया था मेजर सेकेंड टाइम, और अभी उनका हार्ट ऑपरेशन होना है, लाइक ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी होनी है, डॉक्टर ने बोली है। तो वो तो अभी हम साइड रखते हैं, वो मैंने अभी नहीं बताया बिकॉज उस टाइम मैं उस कंडीशन में थी कि वो समय रिकॉर्ड कर पाऊँ या बता पाऊँ, तो उसको हम साइड रखते हैं। लेकिन मैं उस दिन रात में बताती हूँ, जब मम्मी सो गई थी तो मैं यहाँ आई थी रात के 12 बजे और यहाँ पे आरती चल रही थी। इतना सुंदर लग रहा था, एवरीबॉडी इज़ यू नो प्लेइंग अ डमरू एंड दे आर सिंगिंग इन, मतलब एक नहीं उस दिन काफ़ी सारी आवाज़ एक साथ सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही थी। वो क्या बोलते हैं, पार्वती पते हर 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 महादेव, एंड इट साउंड सो ब्यूटिफुल। इतना अच्छा लग रहा था वो सुनने में, शिव आरती हो रही थी। ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल वाइब, हफ्ते में एक बार तो आपको आना ही चाहिए। मतलब जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स ऐसा लगेगा बाहर हो आप, अगर आप यहाँ आते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अदरवाइज इट्स अप टू यू, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। सो मिलते हैं, अभी मैं माला कर लूँ अपना, उसके बाद मिलते हैं। और अगर 9 बजे आरती होती है तो इट्स ओके, अदरवाइज 9 बजे नहीं होती है तो फिर मैं घर निकलूँगी बिकॉज लेट हो रहा है। घर पे भी मैं बोल के आती हूँ टाइम पे आ रही हूँ, पर मैं कभी टाइम पे नहीं पहुँच पाती। जैसे आरती हुई तो अच्छा है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आरती तो हम करके ही जाएंगे अपने मन में। सो मिलते हैं घर जाकर।